नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर घर में यदि बड़े बुजुर्ग है तो वहाँ गर्भवती को एरंडल तेल यानी कैस्टर ऑयल 9वें महीने में लेने की सलाह देते हैं, जिससे प्रसव पीड़ा प्रेरित होने के लिए मदद मिलती है। मान्यता है प्रसव पीड़ा प्रेरित करने का काम कैस्ट्रोल ऑयल करता है। चलिए आज हम इस वीडियो में इसी बात को जानेंगे, समझेंगे क्या कैस्ट्रोल ऑयल का उपयोग गर्भावस्था में करना सही है, कैस्ट्रोल ऑयल कितना लाभदायक है, प्रसव पीड़ा प्रेरित करने के लिए कैस्ट्रोल ऑयल कैसे आपको आहार में शामिल करना है, और इसके सेवन से पहले कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है तथा कैस्ट्रोल ऑयल का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इन सभी बातों को विस्तृत रूप में जानने के लिए आज यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैस्ट्रोल ऑयल एक गाढ़ा वेजिटेबल ऑयल है जिसे कैस्टर बीज से निकाला जाता है। एरंडी के बीज से यह बनता है। कैस्ट्रोल ऑयल में रिकेनोलिक एसिड नामक फैटी एसिड पाया जाता है। कैस्ट्रोल ऑयल कब्ज संबंधी समस्या तथा दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज हम जानते हैं क्या गर्भावस्था के दौरान कैस्ट्रोल ऑयल का उपयोग आपको करना चाहिए। गर्भावस्था में कैस्ट्रोल ऑयल का उपयोग करना या नहीं, इसके बारे में ठोस निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि एरंडी का तेल का उपयोग आप प्रसव को प्रेरित करने के लिए कर सकती है तथा कुछ वैज्ञानिक इस बात का इनकार करते हैं। वैसे तो एरंडी के तेल का उपयोग कई समस्याओं में पारंपरिक औषधि के रूप में किया जाता है। वैसे तो प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए एरंडी का तेल अच्छे से काम करता है, इस बात की पुष्टि NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में स्पष्ट होती है। इस रिसर्च के अनुसार कैस्ट्रोल ऑयल 24 आवर्स के भीतर ही लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए फायदेमंद माना गया है। चलिए अब जानते हैं कैस्ट्रोल ऑयल प्रसव पीड़ा को कैसे प्रेरित करता है। एरंडी के तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो इंटेस्टाइन और यूट्रस के प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर में संकुचन को उत्तेजित करता है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। अब देखते हैं कब और कितना कैस्ट्रोल ऑयल आपको आवश्यक होता है प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए। यदि गर्भवती महिला की गर्भावस्था की पूरी अवधि यानी 40 हफ्ते पूरे हुए लेकिन फिर भी प्रसव में कोई भी साइन या सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो इस हालात में लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, इसके लिए आप कैस्ट्रोल ऑयल का उपयोग कर सकती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कितना कैस्ट्रोल ऑयल हमने लेना चाहिए। कितना कैस्ट्रोल ऑयल आपको लेना है तो आपको 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है। कम मात्रा से लेकर यदि आप आवश्यकता अनुसार इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती है। अब जानते हैं कैस्ट्रोल ऑयल लेने का तरीका। कैस्टर ऑयल आप संतरे के जूस में या किसी भी जूस में ले सकती है। आप इसे गुनगुने पानी में रात को भी ले सकती है, लेकिन ध्यान रहे इसे लेने के बाद आपको भरपूर पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। कैस्ट्रोल ऑयल लेने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि भरपूर पानी आपको पीना है। 24 घंटे के अंतराल से 1 से 2 बड़े चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल आप ले सकती है। इसे 7 या 8 दिन से ऊपर आपको नहीं लेना है। कैस्ट्रोल ऑयल का इस्तेमाल करने से पूर्व आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह भी आपको ज़रूर लेनी है। कोई भी चीज़ यदि अधिक मात्रा में आप सेवन करती है तो उसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं, ऐसे ही कैस्टर ऑयल के लिए भी है। आप जानते हैं कि कैस्टर ऑयल के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में आप कैस्टर ऑयल का उपयोग करती है तो इससे दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। कुछ महिलाओं में कैस्टर ऑयल का सेवन करने के बाद सीवियर एब्डोमिनल पेन भी देखा गया है। कैस्टर ऑयल का उपयोग करने से नौशिया एंड ओमेटिंग भी हो सकती है, लेकिन कई महिलाओं में इसके सेवन से कोई भी दुष्परिणाम नहीं देखे गए। इसीलिए आपको कैस्टर ऑयल का सेवन करने से पूर्व अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। कैस्टर ऑयल इस तरह से आपकी प्रसव पीड़ा को उत्तेजित करने में मदद करता है, तो आपको डिलीवरी के पेन्स स्टार्ट होने के लिए इसकी मदद ज़रूर लेनी है। और साथ ही साथ आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो
और आप डिलीवरी के दर्द को भी एंजॉय करें। इसके लिए आप कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है डिलीवरी को कैसे फेस करना है और वो भी हैप्पीली। तो यह आपके प्रेगनेंसी का सर्वोच्च आनंद डिलीवरी का लेने के लिए आपको ज्वाइन करना है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।